हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता. ट्वेल्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फियोल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. पर्सनल मतलब स्टाफ, एम्प्लॉइज. हेनरी फियोल ने इस प्रिंसिपल में ये सजेस्ट किया कि स्टाफ को इतनी जल्दी जल्दी मत निकालो, बार बार मत बदलो उसको. एक तो बार बार बदलने से रिक्रूटमेंट का खर्चा होता है. आज की तारीख में स्टाफ मिलना इतना आसान नहीं है. कई बार हमें प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करना पड़ता है जो एक महीने की सैलरी चार्ज करते हैं. तो अगर आपका एम्प्लॉई 20-25 हज़ार रुपये सैलरी की रेंज का भी है तो आपको 20-25 हज़ार रुपये तो इसी बात पे खर्चने पड़ेंगे. प्लस इतने सारे इंटरव्यूज लेना, उसमें जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनका टाइम एंगेज हो रहा है, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगे हुए हैं. अगर HR डिपार्टमेंट अलग से है तब भी वो और भी कामों में एंगेज हो सकता है. जो ऑलरेडी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने में, उनको मोटिवेट करने में यूज़ हो सकता है, बजाय इसके कि बार बार इंटरव्यू लेके स्टाफ ही अपॉइंट करते रहे. फिर जो नया स्टाफ आता है शुरू शुरू में उसकी उतनी एफिशिएंसी भी नहीं होगी, वो वेस्टेज करेगा, उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आएगी. लोगों से मिलने जुलने में, टीम का पार्ट बनने में टाइम लगेगा. और फिर बार बार जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ते हैं ना तो जो एम्प्लॉय काम करते रहते हैं उनके ऊपर भी एक दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. उसको लगता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, देखो वो भी चला गया, वो भी चला गया. और ये एक नेचुरल, जिसको मैं बोलूँगा कि एक नेचुरल फिलोमेना है कि जब कुछ जा रहा होता है ना तो वो बहुत क्रिटिसाइज ही करके जाता है ज़्यादातर कंपनी को. जब तक हम कंपनी में होते हैं, नए नए ज्वाइन करते हैं तो अच्छा लगता है. ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब एम्प्लॉयज़ जाने लगते हैं तो जो कल तक बहुत अच्छा बोल रहे होते थे कंपनी को, आपको, अब वो जाते वक्त वो सब 10 बुराइयां करके जाते हैं, मतलब कंपनी के बारे में भी और जो काम में एग्जिस्टिंग लोग काम कर, मतलब ओवरऑल बहुत नेगेटिविटी फैला कर जाते हैं. तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर हो सके तो स्टाफ को स्टेबल रखा जाए. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी निकाला ही ना जाए. अगर कोई स्टाफ ऐसा हो जो बहुत गुंडागर्दी करता हो, हैं, या डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन ना करता हो, बहुत वेस्टेज करता हो, या इलनेस है, या डेथ है, रिटायरमेंट है, तो फिर बदलना भी पड़ता है स्टाफ. ऐसा भी कुछ नहीं, हेनरी फियोल ने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए एक बार जो अपॉइंट हो गया वो होना नहीं चाहिए. हेनरी फियोल का कहना था अपॉइंट करते वक्त ही आप रिग्रस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर रखो, प्रॉपरली इंटरव्यू लो, प्रॉपर उसका रिज्यूमे स्कैन करो, अच्छे से चेक करो, अगर हो सके तो उसकी पास्ट वर्किंग देखो. जैसे भी, कहने का मतलब है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अच्छे से मेहनत करो. ये नहीं कि किसी को भी उठा के बस जॉब पे अपॉइंट कर लो. बट वंस ही और शी इज अपॉइंटेड देन ट्राई फॉर सम टाइम, गिव हिम टाइम, गिव हिम टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ. थोड़ा समय तो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना. चलिए अब जो आपकी बुक में लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल स्टाफ. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. स्टाफ की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. स्टेबल स्टाफ, कंटिन्यूटी, एक बार अपॉइंट हो गया तो लगा रहे. उसने कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो रिग्रस प्रोसीजर के बाद हो. जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बात बताई कि जिस भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, सिलेक्ट करना है, वो एक रिग्रस, रिग्रस का मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर. इंटरव्यू भी हो तो टफ हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, कोई और कोई एग्जाम लेना हो, कुछ भी है, तो वो सब टफ होना चाहिए. ताकि ऐसे ही नहीं है कि किसी को भी रख लो, क्योंकि अगर हमने ऐसे जल्दीबाजी में अपॉइंटमेंट की तो फिर जल्दीबाजी में हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है. तो उस चीज को वो अवॉइड करना चाह रहे थे. वही उन्होंने लिखा आगे, वन सिलेक्टेड ही शुड बी कैप्ट एट देयर पोजीशन फॉर ए मिनिमम पीरियड एंड गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिटर्न. तो ये मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स. ये बहुत जरूरी है, उसको टाइम दिया जाए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके. सेल्स ही होती है सबसे डिफिकल्ट लाइन. मैंने इन जनरल एक्सपीरियंस किया, सेल्स अचीव करना मुश्किल होता है ना. अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग कर ही लेगा ज्यादातर, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा अलग अलग, ज्यादातर सभी डिपार्टमेंट्स में काम इतना डिफिकल्ट नहीं होता. ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज सेल्स नाउअडेज. तो अब सेल्स वालों को थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना. आप अपॉइंट होने से पहले पूरा श्योर हो जाओ, लेकिन एक बार आपने अगर उनको अपॉइंट कर लिया तो आप एकदम से ये नहीं बोल सकते कि 3 दिन के बाद ही सेल्स नहीं हो रही है, हफ्ते के बाद सेल्स नहीं हो रही. इतनी जल्दी वो नहीं रिजल्ट्स दे पाएगा, टाइम लगता है. सो टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी ना हिलती है. अगर कोई एम्प्लॉई छोड़ के जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपार्टमेंट जो है वो हिलता है. तो उस, अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल रहे तो उसको टिका के रखो, इतनी जल्दी उसको हिलाओ नहीं. कॉन्टिन्यूस चेंजेस विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, है ना. अगर बार बार स्टाफ चेंज होगा तो इससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आएगी. स्टेबिलिटी होता है ना कि हाँ भाई अब जॉब लग गई, बस अब हम यही काम करेंगे 2-4-5 साल या और लंबा, वो स्टेबिलिटी हिल जाती है, सिक्योरिटी चली जाती है एम्प्लॉय के दिमाग से. फिर वो इतनी कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर पाता, उसको दिमाग में फिर यही रहेगा यार कहीं और अच्छा ऑफर मिले तो वहाँ निकल जाओ, वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ सिक्योरिटी है. तो और खासकर छोटी कंपनीज को तो वैसे ही प्रेशर रहता है, एम्प्लॉई छूट के भाग के बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं. तो ऐसे में उनको रिटेन करना अपने आप में ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है.
नए नए एम्प्लॉय अपॉइंट करोगे तो उससे आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ती है स्टाफ को, सब कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो यही बेटर है कि आप अपने एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को, जो भी आपके एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, कोशिश करो कि आप उनको ना ही छेड़ो, कोशिश, एक्सेप्शन टू द रूल उनको हटाना पड़ सकता है, बट आप कोशिश यही करें कि एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को आप डिस्टर्ब ना करें। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बीमार है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इन केसेस में फिर बदलना भी पड़ सकता है, बिकॉज एम्प्लॉय को यू हैव टू गिव टाइम टू सेटल डाउन। कोई भी कंपनी में आपके एम्प्लॉय नया ज्वाइन करता है, यू हैव टू गिव हिम टाइम कि हाँ आप अपने आप को प्रूव करो। आपको उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है, ट्रेन भी करना पड़ता है, सारे प्रोसीजर से उसको, जिसको कहते हैं ना, अवेयर करना पड़ता है। ही शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड देन वो जब नया एनवायरमेंट, नई वर्किंग कंडीशन से अडेप्ट हो जाता है, उससे यूज्ड टू हो जाता है, देन ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, है ना। तो इस रूल के जो बेनिफिट्स हैं वो यही है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ओवरऑल। नेचुरली जो पुराना एम्प्लॉय होगा तो वेस्टेज कम करेगा, ही नोज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है इससे। अगर कोई कंपनी में होता ना, भाई मैं 10 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच के देखो कि आपको एक इंटरव्यू लेटर आता है और आप जानते हो कि हाँ उस कंपनी में मेरे एक ये पड़ोसी या ऐसे मेरे जानकार रिश्तेदार वो भी काम कर रहे हैं। अगर आप उनको फ़ोन करो, पूछे, वो कहे हाँ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बस खत्म। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपने कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। आपने सोचना है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है भाई। तो स्टेबिलिटी ऑफ द स्टाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नेचुरली फिर इससे आपके खर्चे भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बचते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, सब चीज़ें बचती हैं। यही इसका वायलेशन में उल्टा सारे पॉइंट्स लिखे हुए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टाफ, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, और यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। थैंक यू।